सभी किसान भाइयों को और डेयरी फार्मर्स को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक गाय दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो, इसने इस बार अपने पास थर्ड लैक्टेशन में मेल काफ को जन्म दिया है। अभी इसकी डिलीवरी को लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए हैं। ये देख सकते हो आप, अच्छी गाय है। मेरे पास इसने लगभग 35-34 के लमसम इस बार पीक मिल्क यील्ड दिया है। और अडर आप देख सकते हो, अडर काफ़ी अच्छा है, बॉडी से पूरा अटैच है। लेग स्कोर भी देख सकते हो आप, ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। अभी मिल्किंग को लगभग 2-3 घंटे हुए हैं और देख सकते हो आप। अब मैं आपको इसकी सेकंड लैक्टेशन की हीफर दिखाऊंगा, वो भी अभी प्रेग्नेंट हो गई है। ये उसकी सेकंड लैक्टेशन की हीफर है। अब ये लगभग 15 महीने की हो गई है, 14-15 महीने की हो गई है। 1 मंथ हो गया इसको, ये प्रेग्नेंट हो गई है। और एबीएस डस्टर सेक्सेट से फिलहाल ये प्रेग्नेंट है। बॉडी वेट इसका लगभग 3 क्विंटल के आसपास है। और बीच में इसकी थोड़ी फीड मैंने कम कर दी थी, अब इसको दोबारा फीड पे लेके आएंगे। ग्रोथ अच्छी की है इसने, हीफर भी अच्छी है, बाकी आप लोग वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों, इस गाय की एआई भी लगभग 10 दिन पहले की है और कंसीव हो जानी चाहिए। 12 घंटे के बाद रिपीट भी की थी मैंने। मैं श्योर हूँ कि कंसीव हो जाएगी, बाकी देखते हैं आगे। और अगर सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और आगे भी मैं डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालता रहूँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।